हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे यहाँ पे लपोर्ता और जावी कुछ बड़ा करने के चक्कर में या तो एक स्ट्रैटेजिक मास्टर क्लास खेल सकते हैं या फिर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे जहाँ एक तरफ बार्सिलोना के फैंस ड्रीम कर रहे हैं कि कब मेसी और बार्सिलोना का रियूनियन होगा, वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना के अपने ही बंदे यहाँ पे इतना गंदा कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे मेसी एक तरीके से डिजर्व नहीं करते बार्सिलोना में रहने का। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कैसे ब्रेंडन रॉजर्स ने 2 मिनट के अंदर यूनाइटेड की पूरी 30 दिन की कहानी को ही पलट दिया और कैसे यूनाइटेड जैसा इतना बड़ा क्लब इस समय इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बना हुआ है। साथ ही साथ हम लोग और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एपिसोड तक एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अनलिमिटेड एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल। तो शुरू करते हैं। अब इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंकी डियोंग के रिगार्डिंग। तो डियोंग के रिगार्डिंग यार हम पहले भी बात कर चुके हैं जहाँ पे हमने डिस्कस कराई कैसे यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं और शायद से बार्सिलोना ये चीज़ कर सकती है। अगेन डियोंग के रिगार्डिंग काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि यार अगेन डियोंग इज़ वेरी टैलेंटेड, ये बार्सिलोना को पता है, पूरे फुटबॉल फैंस को भी पता है कि डियोंग कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की माने और लेटेस्ट डेवलपमेंट की माने तो हाँ, बार्सिलोना सीरियसली कंसिडर कर रही है फ्रेंकी डियोंग को सेल करने का। और इस समय अगर मैं मानूँ तो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की तरफ से भी रिपोर्ट्स आने की वो 75 से 90 मिलियन के बीच का एक ट्रांसफर ऑफर देने के लिए भी तैयार है एंड दे आर हाईली इंटरेस्टेड फॉर फ्रेंकी डियोंग। अब इसके रिगार्डिंग मेरा एक ओपिनियन भी है कि अगर यहाँ पे ऐसा सही में होता है कि फ्रेंकी डियोंग को ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया जाए तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे चेल्सी और मैनचेस्टर यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्टेड होगी क्योंकि वाई नॉट, मतलब अगर डेक्लन राइस 100-120 मिलियन पे इतना टेंशन ले सकता है तो फ्रेंकी डियोंग तो डेफिनेटली डिजर्व करता है इतना टेंशन। बट अगेन मैं सिटी वाली बात रिपोर्टेड है, बाकी यूनाइटेड चेल्सी वाली बात मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब इसके रिगार्डिंग दो रीज़न बताए जा रहे हैं कि क्यों बार्सिलोना एक्चुअली में कर रही है ये चीज़। पहला रीज़न है कि यार देखो, बार्सिलोना चाहती है कि वो इस पैसों को दूसरे पोजीशंस पे यहाँ पे रीइन्वेस्ट करे। चाहे हम बात करें अगर बार्सिलोना के करंट टारगेट्स की, रहीम स्टर्लिंग वो भी 35-40 का है, करीम अडेयामी 25-30 का वो भी पड़ेगा, थियागो अल्कांट्रा वो भी इतने का ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 70-80 मिलियन यूरोज़ की बात कर रहे हैं। और डेफिनेटली उनके पास कोई और चारा नहीं बल्कि अपने एक्सपेंसिव प्लेयर को सेल करके जो फंड्स आएंगे उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ यार बार्सिलोना ये मानते हैं कि जिस पोजीशन पर डियोंग खेलता है उस पोजीशन पर उनके पास ऑलरेडी काफ़ी अबंडेंस में टैलेंट है, यानी कि मिडफील्ड की बात करूँ, चाहे पेड्री की बात करें, गावी की बात करें, रिकुई पुच की बात करें, सर्जी रोबोटो की बात करें या फिर हम सर्जी बुस्केट्स की बात करें, तो बार्सिलोना यहाँ पे मानते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी टैलेंट है जो कि हमको टाइटल के लिए कम्पीट करवा सकता है, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं लूज़ कर सकते हैं फ्रेंकी डियोंग को। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, क्या सही में ये जो स्ट्रैटेजी है ये कहीं ना कहीं बार्सिलोना के स्क्वाड को, बार्सिलोना जनरल को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और उनको ज़रूरत है इस समय पैसे की और रीइन्वेस्ट करने की, या फिर डिस्पाइट आपका लगता, आपको मानना है कि डिस्पाइट कि बार्सिलोना को पैसों की ज़रूरत है बट स्टिल फ्रेंकी डियोंग को सेल करना एक बहुत बड़ी गलती होगी? डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं लियोनेल मेसी की। तो यार कल हम बात कर रहे थे कैसे यहाँ पे मेसी का एक तरीके से ड्रीम है, मेसी के करोड़ों फैंस का यहाँ पे ड्रीम है कि मेसी और बार्सिलोना का एक रियूनियन होना चाहिए यहाँ पर और होगा फ्यूचर में रियूनियन जिस तरीके से रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड का रियूनियन होता। लेकिन रिसेंटली यार बार्सिलोना के अपने ही बंदे ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया, एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया मेरे ख्याल से तो एक बहुत ही अननेसेसरी कॉमेंट किया। अब ये कोई और नहीं बल्कि जो बार्सिलोना का ऑफिशियल फाइनेंशियल गारंटर है जोस एलायस, उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी स्पार्क की है। अब गारंटर जहाँ तक मेरे को पता है, गारंटर वो होता है जो कि बार्सिलोना लोन लेती है, खर्चे वर्चे करती है तो उसको बैक ये करता है कि भाई बैंक का जो पैसा है वो नहीं डूबेगा, कोई पैसा वैसा नहीं डूबेगा, और ये यहाँ पे सपोर्ट करता है कि मैं इनके पीछे खड़ा हुआ हूँ। जॉन लेपोर्टा को इसने ही यहाँ पे सपोर्ट किया था जब उसको गारंटी देनी पड़ी थी 125 मिलियन यूरोज़ की। तो यहाँ पे रिसेंटली, अब आपको पता है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड से और मेसी को भी बार्सिलोना फाइनेंशियल रीजन की वजह से छोड़ना पड़ा, तो रिसेंटली यार इससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई मतलब क्या है, मतलब क्या ऐसा चांस था कि बार्सिलोना मेसी को यहाँ पे रख सकती थी या फिर फाइनली बार्सिलोना रिग्रेट करती है कि उन्होंने मेसी को लूज़ किया, इतने बड़ा ब्लंडर हुआ। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि नहीं, बार्सिलोना ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, उन्होंने मेसी को जाने दिया। तो यहाँ पे ये एक तरीके से छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी थी। इसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए फर्दर कहा कि यहाँ पे 3 रीज़न थे कि क्यों बार्सिलोना ने ठीक किया मेसी को जाने देने के लिए। उन्होंने सबसे पहला रीज़न कहा कि द सैलरी स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा हमसे पहले जो लोग इस क्लब को चलाते थे उनकी नादानी और उनके घटिया
मतलब जो काम था उनका इतना घटिया था कि उसकी वजह से ला लीगा ने हमारे पास रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए थे और इम्पॉसिबल था कि हम मेसी को यहाँ पे रख सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर हम मान भी लेंगे हम कोई तिकड़मबाजी चलाते, कोई जुगाड़बाजी करके हम मेसी को कहते कि भाई ठीक है तेरे को इस तरीके से नहीं, इस तरीके हम पैसे देते, तो कहीं ना कहीं हम मेसी को रख के बार्सिलोना का नुकसान करते और हम बार्सिलोना को पीछे लेके जा रहे थे ना कि आगे। और उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करते तो हम में और हमसे पहले जो लोग थे उनमें कोई फ़र्क ना होता। साथ ही साथ इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए ये भी कहा कि जो चीज़ PSG अभी कर रही है वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। जो चीज़ PSG इतना खर्च कर रही है, इतना एग्रेसिवली, इतने बड़े बड़े पैसे दे रही है, इतने बड़ा ऑफर दे रही है, वो कुछ नहीं बल्कि अपना ही नुकसान कर रही है, और आज नहीं तो कल वो भी मुंह के बल गिरेगी। अब जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट उनका था वो था कि उन्होंने कहा कि बार्सिलोना को एक नई जनरेशन की ज़रूरत है, बार्सिलोना को एक नए यूथ की ज़रूरत है, और वो तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक यहाँ पे मेसी था। उन्होंने कहा कि मेसी की एज को देखते हुए यहाँ पे ना मेसी डिजर्व करता है इस समय बार्सिलोना को, ना उसको होना चाहिए और ना ही कहीं ना कहीं वो यहाँ पे सूट करता है बार्सिलोना में। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि आई थिंक इतने बड़े ऑफिशियल पोस्ट पे आप हो तो इतना अननेसेसरी है, ये काफ़ी अननेसेसरी, काफ़ी इररिलेवेंट और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो, और वो भी किसके अगेंस्ट, आप लियोनल मेसी के अगेंस्ट कर रहे हो। भाई वो बंदा अगर 40 साल की उम्र में बार्सिलोना में खेलेगा ना तो भाई बार्सिलोना के फैंस तब भी भाई चिल्ला चिल्ला के उसका सपोर्ट कर रहे होंगे, एंड ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत रिलेवेंट था। आपका इसके कंट्रोवर्सी और इस इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने की रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। तो भाई इस डेली सोप में एक नया ट्विस्ट आया है, और कल ब्रेंडन रॉजर्स ने अपने इंटरव्यू में 2 मिनट के अंदर यूनाइटेड की जो पूरी कहानी है ना उसको मतलब सर के बल पलट दिया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पे अब सिचुएशन कैसे आगे जाएगी। अब होता क्या है कि देखो लेस्टर वर्सेस चेल्सी के प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स बैठे होते हैं, और उनसे ऑफकोर्स देखो यार जो कहानी चल रही है ऑफकोर्स आप मान के चलो कि मैनेजर्स को उधेड़ा जाएगा जर्नलिस्ट की तरफ से। और यहीं यहाँ पे भी सेम होता है, जर्नलिस्ट पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यूनाइटेड के बीच में, क्या है ये हम रिपोर्ट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, यूनाइटेड तुम्हें कॉन्टैक्ट कर रही है, क्या तुम्हारा इसके रिगार्डिंग कमेंट है, क्या तुम सोचते हो इसके बारे में। तो इसके रिगार्डिंग ब्रेंडन रॉजर्स ने 2 चीज़ कही। उसने कहा सबसे पहले तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है क्योंकि तुम उस क्लब के जॉब के बारे में बात कर रहे हो जिस क्लब में ऑलरेडी एक मैनेजर अपॉइंटेड है, एक बंदे के पास ऑलरेडी वहाँ जॉब है, और तुम उसके रिगार्डिंग मेरे से उस जॉब के बारे में पूछ रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और दूसरा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें 0 सच्चाई है। उसने कहा इसमें 0% सच्चाई है, सच ये है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सच ये है कि रॉजर्स इस समय पूरा कमिटेड है लेस्टर सिटी में, सच ये है कि लेस्टर सिटी इस समय पूरा फोकस्ड है अपने प्रीमियर लीग और बाकी कैंपेन्स को लेके, और सच ये है कि मेरा मेरे ओनर्स के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है एंड आई एम फुल्ली फोकस्ड इन लेस्टर सिटी। और यहाँ पे क्या किया उसने, कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को ही पलट डाला। अब इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि देखो यार ये चीज़ मेरे को एक्सपेक्टेड थी कि ये चीज़ तो होगी, क्योंकि वो ये थोड़ी कहेगा इंटरव्यू में आके कि हाँ भाई यूनाइटेड ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया था इनडायरेक्टली या फिर जो भी था, वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन जिस तरीके से, जिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में उसने कहा, ये थोड़ा मेरे को अनएक्सपेक्टेड था कि यार, क्योंकि देखो आप मान के चलो कि मेरे को ये लगता है कि उसने कुछ कहा ना कहा हो, लेकिन ये उसने कहीं ना कहीं ये डायलॉग्स मार के ये इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट देखे उसने ये कंफर्म तो जरूर कर दिया कि अगर आज के दिन, अभी के दिन भी अगर ओले गुनर सोलशायर सैक होता है ना तो ये बंदा यूनाइटेड की जॉब नहीं लेगा, उसने ये कंफर्म कर दिया इस इंटरव्यू में। और ये बंदा हाँ सीजन के एंड में हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो ब्रेंडन रॉजर्स जॉब नहीं लेगा। तो अगर बात करें अब सिचुएशन की तो रॉजर्स बाहर हो चुका है, एरिक टेन हैग बाहर हो चुका है, तो 2 ऑप्शन बचते हैं, जिदेन और ओले गुनर सोलशायर। तो सबसे पहले जिदेन की बात करते हैं। तो जिदेन के रिगार्डिंग कल यार रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। तो ये रिपोर्ट थी कि एक इमैनुअल पतित, जो कि आपको पता है एक फ्रेंच लेजेंड हैं और जो जिदेन के साथ भी खेले हुए हैं, उनका एक इंटरव्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जिदेन अब कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख रहा है। और यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं स्पेकुलेट करने लगे कि भाई इंग्लिश सीख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैनचेस्टर की जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, और देखो सच्चाई थोड़ी है उसमें, क्योंकि इमैनुअल पतित ने अपने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करा कि जिदेन अगर मैनचेस्टर को मैनेज करेगा तो उसको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, और वहाँ पे मेरे को ऐसा पता चला है कि जिदेन रिसेंटली इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट ये है कि रिपोर्ट पूरी नहीं यहाँ पे स्पेकुलेट हो रही है, सर्कुलेट नहीं हो रही है रिपोर्ट पूरी। मैं आपको बताता हूँ क्या थी। हाँ, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये चीज़ उसने कही थी इमैनुअल पतित ने, लेकिन जो चीज़ उसने और कही थी वो चीज़ उसने ये भी कही थी कि अगर कोई मेरे से ये कहेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और जिदेन के बीच कुछ चल रहा है तो मैं उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूँगा। और उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि क्योंकि जिदेन कभी प्रीमियर लीग में खेला ही नहीं है और जिदेन का कोई बिल्कुल
लिटिल एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग से, लिटिल कनेक्शन है, तो उसका कोई मेरे को लगता भी नहीं कि कोई ज़्यादा कुछ खास चांस होने वाला है ज़िदेन का यहाँ पर प्रीमियर लीग में जाना और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जॉब का, एटलीस्ट कहीं ना कहीं इस समर ट्रांसफर विंडो तक, तो मतलब समर नेक्स्ट सीजन जब खत्म होगा तो तब तक तो ज़िदेन हम यूनाइटेड में नहीं देखने वाले। तो ये है इस पूरी रिपोर्ट की असली कहानी। तो अगेन मेरे को लगता है कि ज़िदेन का ही पत्ता भी अब कटता हुआ हमें दिख रहा है। तो अब सिर्फ एक ऑप्शन है और वो है ओले गुनर सोलशेयर, यानी कि रियलिटी। तो रियलिटी की अब थोड़ी अपडेट्स की बात कर लें, तो कल यार ओले गुनर सोलशेयर ने अपने सीनियर प्लेयर के साथ यहाँ पे मीटिंग करी थी, यहाँ पे उस मीटिंग में रोनाल्डो भी प्रेजेंट थे, हैरी मैग्वायर मतलब सीनियर तो नहीं है बट वो कैप्टन है तो इसलिए प्रेजेंट था, ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे नेमानिया मैथिज जैसे बड़े प्लेयर्स प्रेजेंट थे। और इनके साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे बात इस मीटिंग का जो मोटिव था वो ये था कि भाई अब क्या किया जाए कि यहाँ पे यूनाइटेड को बचाया जाए, जो नया टैक्टिकल हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा है फाइव एट द बैक के साथ उसको कैसे खेला जाए, यहाँ पे इस चीज़ों के कहीं ना कहीं इन मोटिव्स में यहाँ पे इन एजेंडाज पे बात की गई थी। इसी के रिगार्डिंग यार ओले गुनर सोलशेयर ने कल हेडलाइंस भी बनाई थी, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ओले गुनर सोलशेयर ने यूनाइटेड के बोर्ड को मना कर दिया है कि भाई वो मैं रेजिग्नेशन नहीं देने वाला, चाहे मैं एक मैच जीतूं, दो जीतूं, तीन हारूं या चार हारूं, कुछ भी हो जाए मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। और उन्होंने यहाँ पे बल्कि यूनाइटेड के साथ यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से आर्ग्यूमेंट रखा है कि मतलब उन्होंने यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट शो किया है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे यूनाइटेड का जो बोर्ड है या फिर यूनाइटेड के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको इनफ क्रेडिट नहीं दे रहे जो कि उन्होंने पिछले दो या तीन सालों में यूनाइटेड के लिए करा है। तो ये इस समय सिचुएशन बनी हुई है। और इस पूरी सिचुएशन के रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार इतना बड़ा क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़ा हुआ है कि ना ही वो उसको कोई मैनेजर लेता हुआ बन रहा है और ना ही जो मैनेजर ऑलरेडी वहाँ है ना वो उसको ठीक करता हुआ बन रहा है और ना ही जो मैनेजर है उसको ये निकालते हुए बन रहे हैं, मतलब कुछ भी ये नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो हु टू ब्लेम, आई डोंट नो वॉट टू ब्लेम, आई डोंट नो वॉट टू एक्सपेक्ट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वैटफोर्ड के अगेंस्ट हार गए ना तो ये तब भी बाहर नहीं जाएगा, ये चेल्सी के अगेंस्ट हार गए तब भी बाहर नहीं जाएगा, कुछ चीज़ नहीं सुधरेगी। एंड आई थिंक वी हैव टू एक्सपेक्ट अ वेरी वेरी मिनिमम फ्रॉम दिस यूनाइटेड टीम एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। सबसे पहले रियल मैड्रिड और चेल्सी को ट्रांसफर न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेस्टर सिटी का जो सेंटर बैक है वेस्ले फोफाना, उसके लिए यहाँ पे रियल मैड्रिड और चेल्सी इस समय रेस कर रही है, दोनों क्लब यहाँ पे लगे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे रियल मैड्रिड का थोड़ा एज है। अब यहाँ पे इकोनॉमिकली तो चेल्सी यहाँ पे रियल मैड्रिड को बीट कर देगी आराम से, फाइनेंशियली भाई चेल्सी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और रियल मैड्रिड को बीट भी कर सकती है बिडिंग रेस में, लेकिन रियल मैड्रिड को पता है कि यहाँ पे जो उनका स्टेटस है वो कहीं ना कहीं चेल्सी से थोड़ा ऊपर है और प्लेयर यहाँ पे प्रेफर करता है कि वो सैंटियागो बर्नाबो में ज़्यादा खेले ना कि स्टैमफोर्ड ब्रिज में। नो ऑफेंस टू चेल्सी बट भाई ये मेरा मानना नहीं है, उसका बंदे का मानना है। तो यहाँ पे इसलिए रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंट है कि वेस्ले फोफाना रियल मैड्रिड को सेलेक्ट करेगा ओवर चेल्सी। साथ ही साथ बात करें अगर एंटोनियो रुडिगर की, तो भाई चेल्सी को एक और झटका लग चुका है, क्योंकि अब रियल मैड्रिड के साथ साथ बायर्न म्यूनिख ने भी एंटोनियो रुडिगर को जो वो सैलरी मांग रहा है वो देने के लिए वो तैयार हो चुकी है। तो या तो अब ऑफकोर्स रियल मैड्रिड की तरफ से तो हमें पहले ही पता चल गया था कि वो रुडिगर को पैसे देने के लिए तैयार है, अब कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख भी इस रेस में एंटर कर चुकी है। इसी के साथ यार कल एक रिपोर्ट भी सर्कुलेट हो रही थी जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि चेल्सी, पर्टिकुलरली चेल्सी और बाकी टॉप यूरोपियन क्लब्स हैं वो यहाँ पे गावी का 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज यहाँ पे करने को तैयार हैं, बट ऐसा नहीं है, रिपोर्ट में कोई सच्चाई ज़्यादा नहीं है। बार्सिलोना इस समय कॉन्फिडेंट है कि वो गावी का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है उसको बहुत जल्दी रिन्यू कर सकती है और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं हमारी अराउंड द वर्ल्ड न्यूज़ की, जो कि और भी छोटी छोटी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। सबसे पहले तो यार बात करते हैं रोमेन मोलिना की। अब इसके रिगार्डिंग यार आपको चैनल पे बहुत जल्दी एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे एक्सपोज करें इस बंदे ने। ये जर्नलिस्ट यार इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये बहुत ज़्यादा इस समय कॉन्ट्रोवर्सी में है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे एक्सपोज कर रहा है। अब वैसे तो बहुत सारे एक्सपोज है कि मेरे को यहाँ पे एक्सक्लूसिव वीडियो बनानी ही पड़ेगी इस बंदे पे, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव उसने एक्सपोज ये करा है। उसने यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि रियल मैड्रिड के लेफ्ट बैक फर्नांडो मेंडी के रिगार्डिंग उसने ये कमेंट किया है। उसने कहा है कि फर्नांडो मेंडी एक बहुत सीरियस एल्कोहलिक प्रॉब्लम से यहाँ पे जूझ रहा है। उसने कहा यहाँ तक उसने ये कहा है कि जब ओलंपिक लेवल में वो बंदा खेलता था तो उसने यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट भी करा एक लेडी के ऊपर और यहाँ पे उसके साथ बदतमीजी इतनी हद तक कर दी थी कि उस बंदी को, उस लड़की को यहाँ पे इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा था। और ये बात लियोन को पता थी बट स्टिल लियोन ने इस चीज को कवर करा जिससे वो रियल मैड्रिड को सेल कर पाए। तो यहां पे गलती लियोन की है कि उसने यहां पे जान के भी कुछ नहीं करा, गलती यहां पे रियल मैड्रिड की भी है कि उसने यहाँ पे बैकग्राउंड चेक नहीं करा, और गलती तो ऑफकोर्स फर्नांडो मेंडी की है। और ऑफकोर्स आपको पता है बेंजामिन मेंडी के रिगार्डिंग तो और भी ज़्यादा सेक्सुअल असॉल्ट के केस चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं मैनचेस्टर नाइट से। तो कल मैनचेस्टर नाइट के स्टार जेसे लिंगार्ड ने यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का जो अप्रोच था उसको यहाँ पे ठुकरा दिया है, और ऐसे में ये आप कन्फर्म मान के चलो, 100% कन्फर्म मान के चलो कि जेसे लिंगार्ड यूनाइटेड को या तो फ्री में छोड़ देगा या फिर जनवरी ट्रांसफर मार्केट में थोड़ा सा फंड लेके वो यहाँ पे मैनचेस्टर नाइट को छोड़ देगा।
और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि क्यों फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे लिंगार्ड के साथ इतना गंदा बिजनेस कराया ना यूनाइटेड ने। लाइक लिटरली जब वेस्ट हैम 30 मिलियन देने को तैयार थी तो तुमने उसको रखा कि भाई ओले गुनर सोलशर खिलाएगा और अब नहीं खिलाया। और आपको बता दूं इस समय 7-8 मिलियन यूरोस पे भी यूनाइटेड खरीद बेचने को तैयार है जैसे लिंगार्ड को। इसी के साथ बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट की जो कि आती है फ्रैंक कैसी से। तो आपको पता है कैसी और मिलान के बीच भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल अटके जा रहे हैं, जहाँ पे कैसी 9 मिलियन यूरोस की डिमांड कर रहा है बट मिलान यहाँ पे से 6 मिलियन देने को तैयार है। और ऐसे में PSG यहाँ पर अब एंट्री कर रही है एंड दे फाइंड इट वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि उसने यहाँ पे 9 मिलियन जो डिमांड है उसको पूरा करने का यहाँ पे वादा कर दिया है। और कैसी यहाँ पर कहीं ना कहीं PSG जाता हुआ दिख रहा है और ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि पोगबा का आप ऑल्टरनेटिव कह सकते हो कि यहाँ पे PSG फ्रैंक कैसी को मान रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया और अगर एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।